बांदा में भीषण बाढ़ से लोग परेशान, प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। डीएम बांदा ने निचले स्थानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा, सभी विभाग मुस्तैद रहें ताकि किसी भी समस्या से निपटा जा सके। डीएम बाढ़ से निपटने के लिए सभी इकाइयां अलर्ट मोड पर। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते बांदा में केन खतरे से ऊपर। बांदा के पैलानी क्षेत्र में डीएम ने सभी विभागों के साथ मौके का निरीक्षण किया। रजत दुबे, आज देखो नदी आप देखने आए, क्या है बड़गू भैया? जैसा कि दिख रहा है कि नदी में पानी तो बहुत तेज है और लगभग खतरे के निशान से बताया गया है कि लगभग 1.5 मीटर के ऊपर इस समय लगभग पानी चल रहा है। और बहुत सारे जो आपके रिमोट एरियाज है, रिहायशी इलाके हैं, तो वहाँ पर पानी भी घुस गया है और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है वो भी इससे अफेक्ट हो रही है पानी की वजह, बढ़ने की वजह से। और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है, कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कैसे अब आगे की मैनेजमेंट करेगी प्रशासन। तो देख रहा हूँ कि पानी तो लगातार बढ़ रहा है और साफ देख रहा हूँ प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। कितना पानी उम्मीद है पड़ने की कुछ दिन बाद? जैसा कि अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही, क्योंकि एमपी से पानी होकर के पूरा आता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये अगस्त और सितंबर का ही टाइम होता है कि किन नदी को ये पानी हमारी मिला करता है, वरना बाकी टाइम तो ये सूखी ही रहती है। तो चैलेंजिंग रहेगा और कहीं ना कहीं खतरे के निशान से अभी जैसा कि बताया जा रहा है और भी बढ़ने की उम्मीद है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।